कृष्णा हरे हरे तो यहाँ पे आपको श्री कृष्ण जी का मुकुट टाइप में मिल जाएंगे। इन दोनों गायों का सींग देखिए। हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज हम कृष्ण नगरी आए हुए हैं, तो आप देख ही पा रहे होंगे हमारे पीछे का नज़ारा, देख के आप समझ पा रहे होंगे ये कौन सी जगह है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं और उनको नहीं पता है ये कौन सी जगह है, तो उन सभी को बता दें ये कृष्ण धाम है, कृष्ण नगरी है, जिसे हम लोग मायापुर के नाम से जानते हैं। ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है। अगर आप वेस्ट बंगाल से आना चाहते हो इधर कैसे आओगे, तो अगर आप सियालदह के रूट से आना चाहते हो तो सियालदह से जो कृष्ण नगर लोकल चलती है, जो कि आपको डायरेक्टली कृष्ण नगर स्टेशन पर उतारेगी, वहाँ से आप ऑटो लेके यहाँ पे आ सकते हो। एक छोटा सा स्टीम लेना होगा, 2 या 3 रुपये उसकी रेट है, उसके बाद आप कृष्ण धाम में पहुँच जाओगे। तो दोस्तों आप सभी को बोर ना करते हुए आप सभी को दिखाते हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव मायापुर में कितना ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ये जन्माष्टमी का फेस्टिवल। दोस्तों ये देखिए मायापुर को कितना भव्य सजाया गया है चारों तरफ से। ये श्री कृष्ण जी की धाम, श्री कृष्ण जी की नगरी, और यहाँ पे आपको बहुत सारे सनातन धर्म को मानने वाले मिल जाएंगे। बहुत ही भव्य सजाया गया है ये पूरे कृष्ण धाम को, और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मायापुर में। दोस्तों ये कृष्ण नगरी, यहाँ पे देश के इन्हें विदेश के लोग भी हमारे सनातन धर्म को अपनाए हैं। बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे सनातन धर्म के अपनाए हुए। दोस्तों हम आ चुके हैं राधा रानी टेंपल के पास, और हमेशा की तरह यहाँ पे कीर्तन भजन होते हुए आज जन्माष्टमी है। इस उपलक्ष्य में और भी कई ज़्यादा धूमधाम से यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहा है, जो कि ठीक हमारे पीछे रहा, काफ़ी लोग अंदर है। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे यज्ञ भी किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं इस जन्माष्टमी का उत्सव मायापुर में देखने के लिए। हमें हमारी मुलाकात फिर से हो गई हमारे पिछले बार की सवारी थे बैल महाराज। यहाँ का यही चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि यहाँ पे आप बैल का सवारी कर सकते हो। यहाँ पे अंदर सवारी करने के लिए बैल रखे हुए हैं, और यहाँ टोटो ऑटो भी आपको मिल जाएंगे, बट मुझे ये बैल ख़ास तौर पे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ रुके हुए हैं मायापुर फुलडॉम थिएटर के पास, और यहाँ से ही बहुत ही खूबसूरत लगता हुआ मायापुर का ये इस्कॉन टेम्पल, जो कि भगवान कृष्ण के रंग से मिलता जुलता इसको सजाया गया है। बहुत ही मनमोहक, बहुत ही मनमोह लेने वाला ये दृश्य। और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हमारे देश से ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं आज कृष्ण जी का ये जन्मदिन मनाने के लिए। दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी को बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ बताना है, तो हमारे इस पूरे ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ब्यूटीफुल कंटेंट्स हमारे चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। और दोस्तों इस्कॉन के सामने ही बहुत कुछ स्टॉल लगे हुए होते हैं, अगर आपको कुछ घर के लिए सामग्री लेना है, पूजा का कोई चीज़ लेना है, कुछ क्लोथेस लेना है जिसपे कृष्ण राधा का प्रिंटिंग किया हुआ ऐसे टाइप, या सनातन धर्म से रिलेटेड या भजन कीर्तन का सामान, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत कोई इस टाइप का माला पहनना चाहते हैं तो उन सब के लिए यहाँ रखा गया है, और बहुत ही कम रेट में यहाँ पे मिलता है ये सब चीज़। तो ये देखिए आज जन्माष्टमी का भीड़, जहाँ तक नज़र जाएंगे आपको लोग ही लोग दिखेंगे। ये बस एक तरफ का नज़ारा है, चारों तरफ ऐसे ही क्राउड आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको श्री कृष्ण जी का मुकुट टाइप में मिल जाएंगे, यहाँ पे रेट भी लिखा हुआ है, इसका रेट
इसमें है 61, इस मुकुट का रेट है 61। ये फिर एक और है, फिर ये इसका है 25। अलग अलग रेट के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो लोग घर में कन्हैया गोपाल रखते हैं उन लोग के लिए ये बेस्ट चीज़ है, वो लोग समझ पा रहे होंगे। एक मेरे घर में भी है इसलिए मुझे पता है। और यहाँ आपको गोपाल मिल जाएंगे, श्री कृष्ण, मतलब बहुत ही खूबसूरत स्टैचूस यहाँ पे रखे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप कृष्ण नगरी आते हो तो ये सब स्टॉल में भी एक बार रुक के देखा करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। 25 रुपये से शुरू होते हुए 180 तक जाता है। और यहाँ भी कुछ कृष्ण माराधा के साथ इस टाइप के माला, यहाँ पे मयूर पंख, बहुत कुछ है लेने लायक, बच्चों के लिए भजन कीर्तन टाइप के सामान, तो बहुत कुछ है। तो दोस्तों जन्माष्टमी के उपलक्ष में यहाँ पे भोग का आयोजन किया गया है। अगर आप वैसे भी नॉर्मल डेज भी आती हो तो यहाँ पे खाने का रेट ज़्यादा नहीं होता है, 30 रुपये 50 रुपये में आपको बहुत ही अच्छा साफ सुथरा खाना मिल जाएगा जिससे आपका पेट भर जाएगा। दोस्तों आज का ये व्लॉग बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप सभी को बस इतना ही कुछ दिखाना है कि मायापुर में जन्माष्टमी का उत्सव, जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है और कैसे कैसे लोग आते हैं देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे इस जगह पे। वैसे तो हर साल ही यहाँ पे आपको विदेशी पर्यटक देखने मिल जाएंगे, बट यहाँ पे जन्माष्टमी के समय बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं हमारे देश से भी और काफ़ी ज़्यादा विदेश से भी। जो हमारे पीछे रहा यहाँ पे आयोजन किया गया है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको भोग दिया जा रहा है, आप यहाँ पे आके खा सकते हो। हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। तो अगर कृष्ण भगवान का शोज देखना है जो कृष्ण के अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, उसका टाइम ये रहा जो कि आप यहाँ देख सकते हो आईफुट फुल डॉम थिएटर में। और ये रहा टिकट काउंटर, टिकट का रेट है 40 रुपीज़ ईच पर्सन। तो आप इसके अंदर जाके अध्यात्म से जुड़ा हुआ वो शो देख सकते हो, बंगाली और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन आपको आगे पता करना होगा कि अभी कौन सा शो का टाइम है, बंगाली शो चल रहा है या हिंदी शो चल रहा है। तो दोस्तों यही रही खूबसूरत सी मायापुर नगरी, आज और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हुए क्योंकि आज हमारे महाप्रभु का जन्मदिन है, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में काफ़ी खूबसूरत से सजाया गया है इस पूरे मायापुर नगरी को, जगह जगह पर अनुष्ठान होते हुए, जगह जगह पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट में आपको लॉज या कुटीर आपको मिल जाएंगे, जो मेरे पीछे ही ठीक रहा है नित्यानंद कुटीर, आपको यहाँ पर बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे मिल जाएगा। पिछले बार हम यहाँ पे स्टे किए थे तो इसका चार्जेस था 200 रुपये, शायद अभी थोड़ा बढ़ा हो या उतना ही भी हो सकता है। दोस्तों गौशाला में घुसते ही सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ गया था, और इन दोनों गायों का सींग देखिए, ये शायद बैल लगाए नहीं है। और इस वाले जोन में जो रखे गए हैं सबके सींग वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। और आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में काफ़ी सारे लोग भी आए हैं, जब पहली बार आए थे तो इतना ज़्यादा लोग को नहीं देखे थे, बट अभी ये मायापुर का टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मायापुर को घूमने के लिए, मायापुर को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो मायापुर में घूमने काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि ये जगह कुछ ऐसा है, कृष्ण नगरी कृष्ण धाम। सुबह शाम आपको कीर्तन भजन होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, आत्मा से परमात्मा का मिलन होती है, बहुत ही आत्मा में तृप्ति आती है, बहुत ही मन को शांति मिलती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग इस जगह पे आते हैं। और बच्चे बूढ़े जवान हर टाइप के लोग यहाँ पे इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ टाइम बिताने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम पैसे में आप घूम सकते हो, एक दो दिन स्टे भी कर सकते हो। एक दिन का रेट है, अगर होटल के हिसाब से जाते हो, कोई कुटीर का रेट होता है 100 रुपये 200 रुपये 500 1000, आपका जैसा रेंज है उस हिसाब का आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा रहने के लिए। और खाना भी बहुत चीप है, यहाँ जो भोग लगाया जाता है वो 30 रुपये 50 रुपये 70 रुपये, हर टाइप के आपको क्वांटिटी और क्वालिटी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और भी दिखाते हैं कि आज जन्माष्टमी में मायापुर में क्या कुछ अलग किया गया है।
तो दोस्तों ये जन्माष्टमी का माहौल और ये जन्माष्टमी का मायापुर नगरी का दृश्य है। तो देख पा रहे होंगे कितना भव्य सजाया गया है। तो ये प्रभु शीर्णपाद के बगल का जगह है, मतलब प्रभु शीर्णपाद का जो समाधि है उसके बगल में जो ग्राउंड है उसको सजाया गया है। और यहाँ पे लोग देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा आए हुए हैं। तो यही कुछ नज़ारा देखने के लिए हम कोलकाता से सुबह 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 8 बजे की ट्रेन पकड़ के आए हैं। तो दोस्तों इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ ये जन्माष्टमी का बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो का एंड करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आई तो डिसलाइक करें, लेकिन डिसलाइक की वजह जरूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से जल्दी एक और खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।